आदिवासी अंचलों में रेलवे ब्रिज को लेकर ग्रामीणों ने हुंकार भरी है। कहा है कि सुनवाई नहीं होगी तो रेल लाइन जाम करेंगे। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी ग्रामीण सुविधाओं से वंचित हैं। दरअसल डाला सोनभद्र थाना हाथी नाला अंतर्गत जो कि डीह रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों को हो रही परेशानियों की वजह से उग्र ग्रामीणों ने हुंकार भरी है। वहीं बताया कि यदि हम सभी की आवाज नहीं सुनी गई तो रेलवे लाइन जाम करेंगे। हाथी नाला थाना के ग्राम पंचायत बिलहती में पानी और रेलवे लाइन की समस्या से जूझते ग्रामीणों ने एकजुट होकर नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि जोगीडीह रेलवे लाइन के पास प्लेटफॉर्म नहीं बना था, जिससे गांव के लोग साइकिल मोटरसाइकिल से किसी तरह उस पार हो जाया करते थे। वहीं रेलवे लाइन के दोहरीकरण व सुंदरीकरण को लेकर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया, जिससे साइकिल मोटरसाइकिल भी अब पार नहीं हो पाती। जबकि रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर से आदिवासी ग्रामीण परिवार पैदल चलकर स्टेशन तक पहुंचता है तथा वहां से 9 किलोमीटर पैदल चलने के बाद तो बस टेम्पो के सहारे से दवा इलाज व बाजार पहुंचता है। समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब स्टेशन पर कभी पैसेंजर ट्रेन तो ज्यादातर मालगाड़ी खड़ी रहती है। ऐसे में खड़ी मालगाड़ी के नीचे से होकर ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है, जहां जान के खतरे का डर हमेशा बना रहता है कि नीचे से पार होते समय ट्रेन चलना दे। ग्रामीणों ने बताया कि हम सब रेलवे लाइन पर ब्रिज लगाए जाए, जिससे बीमार व्यक्ति को मोटरसाइकिल के सहारे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। इस समय तो किसी बीमार व्यक्ति को चारपाई पर लाद कर रेलवे स्टेशन तक लाते हैं, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस का सहारा मिल पाता है। बस बस सही है, बस बस सही है। नरेश परसवान, क्या मामला है चाचा? मामला यही है सर कि जैसे हम लोग के यहाँ कोई रोड का साधन नहीं है, पानी नाला से पीते हैं और ना कोई हॉस्पिटल है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, सियान ड्राइवरी होता है तो 4 आदमी टांग के लेके जाते हैं सर। ये आजादी के समय से लेके आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई? नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं। तो ये जैसे रेलवे लाइन पहले कैसे पार करते थे? पहले ब्रिज था तो भी उसमें भी पानी भरा हुआ है, कोई रास्ता ही नहीं है। पहले प्लेटफार्म भी नहीं बना हुआ था, इसी तरह से पास हो जाते थे सर। प्लेटफार्म बन गया तो फिर दिक्कत हो जा रही है? दिक्कत हो जा रहा है आने जाने में। एम्बुलेंस आती है? नहीं सर, एम्बुलेंस आता भी है तो रानीताली से वापस लौट जाता है, यहाँ स्टेशन तक आता है सर। अच्छा, कितनी दूर पड़ता है? यहाँ हम लोग का घर से 3 किलोमीटर पड़ता है रेलवे स्टेशन से। इसलिए दिक्कत है? हाँ, यही दिक्कत है सर।